हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक इंटरेस्टिंग वीडियो को फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब आप पेजों के अंदर ना कभी अटकोगे और ना ही कभी भूलोगे। ये कैसे होगा दोस्तों, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले विंडोज़ बटन प्रेस कीजिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप टाइप कर लीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद हम सिखाने वाले हैं कि कैसे आप पेजों के बीच ना कभी अटकोगे और ना कभी भूलोगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, आपको दोस्तों नया सीखने को मिलेगा और ज़रूर दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पूरी तरह अच्छी तरह से समझ जाओगे। दोस्तों, होम टैब की हमने पब्लिश किया, अभी इंसर्ट टैब में चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम पेजेस की बात की थी, ठीक है, तो पेज हम इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं इक्वल टू रैंड, एक फंक्शन, यहाँ से रैंड लगा लिया और इसको इंटर कर लिया। अब देखिए, ये तो एक ही पेज है, हमको तो एक पेज नहीं चाहिए, एक से अधिक चाहिए, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं दोस्तों और पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से पेजेस बना लेते हैं इस तरह से, और इसको हमने इतनी पेजेस बना ली। देखिए, 6 पेजेस यहाँ पे दिख रहा है, इस पर ऐसे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से 1 पेज पे जाना चाहते हैं, गो टू कर लीजिए। इस तरह से आप पहले पेज पे आ गए हो, यहाँ पे आपको टास्क बार में दिखेगा। अब दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं कि आप ना पेजेस के बीच कब अटकोगे और ना ही कभी भूलोगे, ये कैसे। देखिए दोस्तों, आपको बता दें ये कौन सा ऑप्शन है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ये है बुकमार्क। देखिए दोस्तों, बुकमार्क का मतलब होता है कि अपने बुक के अंदर मार्क लगाना। बुकमार्क, बुक में मार्क, मतलब जो आपका बुक है उसके अंदर मार्क लगाते हो उसी को कहते हैं बुकमार्क। जैसे कि मान लीजिए आप एक बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आपके 10 पेजेज हैं, आपने पहले दिन में 2 पेजेस पढ़ लिए, अगले दिन आपको 3rd पेज से स्टार्ट करना है, तीसरे पेज से अब स्टार्ट करना है, तो आपको तो याद नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में जब आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या लगाओगे, या तो 2 पेज के बाद वहाँ पे आप कुछ रख दोगे, जैसे कि पेन रख दिए, स्केल लगा दिए, या कोई लकड़ी लगा दी, या कुछ भी रख दिया उसके अंदर, सिक्का रख दिया याद रहे, या कुछ आपने उसके अंदर डाल दी। ये 2 पेजेस हमने पढ़ लिए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, 3rd पेज, 4th पेज, हमें काम करनी है, पढ़नी है, सीखनी है, तो उसके लिए होता है बुकमार्क। बुकमार्क मतलब होता है कि अपने बुक के अंदर मार्क लगाना, जिससे हम आसानी से वहाँ पे तुरंत पहुँच सकें, ठीक है। बुकमार्क का मतलब होता है कि अपने बुक के अंदर एक ऐसा मार्क लगाना जिससे हम अपने बुक के अंदर किसी भी पोर्शन पे जहाँ हमने लगाई है वहाँ पे हम आसानी से पहुँच सके दोस्तों। तो इसको समझते हैं दोस्तों, इसको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपका टाइम लिया, ठीक है दोस्तों। तो सीखते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों, और पूछते रहिए, क्योंकि जहाँ आपने पूछना बंद किया वहाँ पर आपने सीखना बंद किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 6 पेजेज हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बुक है, उसके अंदर 6 ही पेजेस हैं और आपने पहले दिन में 2 पेजेस को यहाँ तक आपने फिनिश कर ली। अब चाहते हो कि यहाँ तक तो फिनिश की, लेकिन आपने कहाँ तक फिनिश की, आपने फिनिश की है बस यहाँ तक, यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, 2 पेज हमने पढ़ लिए, तीसरे पेज से शुरू करना है, लेकिन 2 पेज में ही अंदर में यहाँ पर आपने, यहाँ पर कहीं पर है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो कि यहाँ पर हमने फिनिश की है, तो यहाँ पर डाउट बन जाता है कि कहाँ से हमको पढ़ना अगला शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरे पेज में आपने यहाँ पे ख़त्म किए, पूरी ख़त्म कर दी तो कोई बात नहीं, तीसरे पेज में आसानी से आप चले जाते हैं, लेकिन दूसरे पेज में बीच में आपने ख़त्म की, वहीं पे आपने एंड किया कि अब अगले दिन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो कैसे करोगे, यहाँ पे बुकमार्क के अंदर जाओगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमको प्रोवाइड करता है, यहाँ से आपको नाम लिखना है कुछ भी, तो मान लीजिए हम लिख देते हैं वर्ड ही, वर्ड, और सिंपली इसको यहाँ से ऐड कर लोगे। अब ऐड करने से क्या होगा, वहाँ पे वो ऐड हो गया। अब तुम क्या करोगे कि अगला दिन यहाँ पे आओगे, इस पेज पे यहाँ पे आओगे, अब सोचोगे कहाँ पे दूसरे पेज पे मैंने कहाँ पे बुकमार्क लगाया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कहाँ पे दूसरे, आपने लगाया है तब पर भी याद नहीं आ रहा है, अब मैं कहाँ रखा, आपने लगाया नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा दोस्तों। तो इसलिए होता है यहाँ पे बुकमार्क, मान लीजिए आपने पढ़ के रख दी बुक, अब आप उसके अंदर कोई मार्क ही नहीं लगाया, ना ही उसके अंदर पेन लगाया, ना स्केल लगाया, ना सिक्का रखा, कुछ नहीं किया, तो कैसे उसके पास पहुंचोगे। तो उसके लिए होता है बुकमार्क। जैसे बुकमार्क पर ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ वर्ड मिला है, जैसे ही गो टू पर क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों आपको समझा रहे हैं, आई होप आपको क्लियर होगा, और जैसे ही यहाँ पर गो टू पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर पहुँचा दिया, देखो यहाँ पर देखो पहुँचा दिया, क्लोज करके दिखाते हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोस्ट के सामने लगाए थे, देखिए दोस्तों
ये देखिए यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए मोस्ट कंट्रोल्स के यहाँ पे लगाए थे, तो यहाँ पे इसलिए होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप बुक में पेजेस पढ़ रहे हो, आप पहले पेज में कुछ पढ़ लिया ठीक है, और उसमें से आपने मान लीजिए हाफ पेज यहाँ पे पढ़े और उसके बाद अगले दिन आप पढ़ना चाहते हो तो आप एक मार्क लगा देते हो। जैसे डिक्शनरी पढ़ रहे हो, वर्ड पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी आप लगा लेते हो, एक मार्क लगा लेते हो, उसके अंदर डंडी लगा लेते हो या उसके अंदर पेन लगा देते हो, कुछ भी लिख के रख देते हो या कुछ भी उसके अंदर डाल देते हो मार्क, उसी को कहते हैं बुक के अंदर मार्क लगाना, जिससे हम आसानी से वहाँ पर पहुँच सकें। अब हम बुक मार्क जो है वहाँ पर डिलीट करना है, तो यहाँ से आप ऐसे डिलीट कर सकते हो इस बुक मार्क को। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो हम बुक मार्क लगा रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ये है, यहाँ पे बीच में हम वेन के बाद यहाँ पे बुक मार्क लगाना चाहते हैं, तो क्या हम यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम बुक मार्क लगाए हैं, अगले दिन हम आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उसके जो ऊपर में है या कहीं पर, उसके पहले हम फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं? तो लगा सकते हो। अगर आपने बुक मार्क यहाँ पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर आपने कुछ लिख दिया, जैसे कि लिख दिया आपने कुछ भी, जैसे कि MS लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट, और इसको ऐड कर लिया, ऐड कर लिए तो यहाँ पे ऐड हो गया। आप यहाँ पे आए, अब आपको देखना है कहाँ पे है जी, आप ढूंढोगे ना तो यहाँ पे डायरेक्टली एक सेकंड लगेगा आपको, और यहाँ से आप गो टू करोगे, देखो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद आप इसके पीछे वाले पे फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो, या यहाँ पे जहाँ पे आया यू पे लगाना चाहते हो, वेन यू पे लगाना चाहते हो, होम पे जाओ और यहाँ से इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, क्लियर करना है तो क्लियर कर दो, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सभी बात की। अगर ऊपर में लगाना है तो ऊपर में भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, और सिंपली फॉर्मेटिंग लगा के इसमें बोल्ड इटैलिक डाल सकते हो। अगर देखो ऐसे अगर आप सिलेक्ट भी करते हो तो आपको होम पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि आप बड़ा करना चाहते हो जी, कर लीजिए, सारा कुछ ऑप्शन दे देता है यहीं पर भी, आपको यहाँ पे होम पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिलेक्ट करने के बाद ही आपको दे देता है। वो पूछता है कि क्या करना चाहते हो आपसे, वो पूछता है। यही है बुक मार्क। बुक मार्क देखिए और भी समझाते हैं। अब इस बुक मार्क को आप हटाना चाहते हो तो इंसर्ट पर जाओगे और बुक मार्क पर जाओगे और इसको यहाँ से डिलीट कर लोगे और इसको भी आ जाए। जैसे आपका क्या करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 पेजेस पढ़ लिए ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 पेजेस पढ़ लिए, और ये 4 पेजेस जब आपने पढ़ लिए तो आपको यहाँ पे आपने ख़त्म किया, एंड किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको याद थोड़े रहेगा लुक के पास आपने ख़त्म किया, मान लीजिए यहाँ पे इसमें आ गए 4 पेज में, और 4 पेज में यहाँ पे हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो इसमें लुक के पास और यहाँ पे आप बुक मार्क लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं और लगाना चाहते हो तो आसानी से, मान लीजिए आप यहाँ पे देखो इसमें लगाना चाहते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पेज में यहाँ पे हुआ है, ये बचा हुआ है तो बुक मार्क लगा लोगे यहाँ पे, क्रॉस रेफरेंस बाद में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको बुक मार्क लगा लोगे। और बुक मार्क लगाने के बाद कुछ नाम लिख दो, XYZ कर दो, XYZ भी कर दोगे तो चलेगा, और इसको यहाँ से ऐड कर लोगे, ऐड कर लिए। अब देखो वहाँ पे लग गया। अगर आप मान लीजिए आपने 6 पेज में आपने एंट्री कर लिया लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है जी 6 पेज में कहाँ तक हमने की है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे पहले पेज में यहाँ पे आते हो, देखिए पेजेज है दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, आप चाहते हो जाना चाहते हो तो यहाँ से जैसे ही आप गो टू पर क्लिक करोगे तो देखो ये 6 पेज में कर दिया आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे हम इसको क्लोज करेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे 6 पेजेस में 1 2 3 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। और इसके ऊपर अगर फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते ही आपको ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करते हो तो देखो यहाँ पे आ जाता है, देखो आ गया ना। और इसको आप बड़ा छोटा जैसे करना है कर लीजिए, यहाँ पे बोल्ड, ये देखिए ऐसा क्यों करता है, अगला पेज इसलिए देता है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझ गया कि आपको जो है और पेज की ज़रूरत है और आप लिखना चाहते हो, तो जो भी ऑप्शन देता है आपके काम को आसान बनाने के लिए देता है दोस्तों। जो भी आप इस पे काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले समझता है कि आप करना क्या चाहते हो और उसके हिसाब से वो काम करता है दोस्तों, ठीक है। ये आपके काम को आसान बनाने के लिए आया है दोस्तों। आई होप आप सबका बुक मार्क ऑप्शन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको बुक मार्क ऑप्शन समझ में आया तो लाइक करें, अगर दोस्तों कोई डाउट लगा तो कमेंट करें, जितना हो सके दोस्तों सब्सक्राइब करें, और उससे भी बड़ी बात आप दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वही आपको नोटिफिकेशन देगा और उसी से आप नए नए वीडियोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सी यू सून माई फ्रेंड्स।